दोस्तों, एक गुलेल बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक पैन चाहिए और उसके बाद आपको एक ईयरबड ले लेनी है। ये आपको घर पर इजी मिल जाएगी। और फिर आपको एक टेप लेनी है और उसके बाद एक आपको कैप ले लेनी है और उसके बाद स्टेपनर पिन ले लेनी है और उसके बाद एक रबर बैंड ले लेना है जो कि आपको इजीली मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक कैप ले लेनी है और उसमें रबर बैंड को डाल लेना है और उसके ऊपर फिर टेपिंग कर दे देनी है ताकि ये एक जगह पर रहे और ये टूटे ना। और फिर ऐसे ही टेपिंग करके आपको इसे अपनी पेन से भी चिपका देना है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। सेम टू सेम आपको भी ऐसे ही करना है। इसको पेन के ऊपर अच्छे से चिपका देना है जैसे मैं चिपका रहा हूँ। ये टेप के साथ ही चिपकाना है और किसी के साथ मत चिपकाना। बहुत ही अच्छे तरह से चिपकाना टेप के साथ इसको। अभी मैं चिपका लेता हूँ। बाद में दोस्तों आपको स्टेपनर पिन ले लेनी है और उसमें से एक पिन निकालनी है। ये पिन अपनी गुलेल में लगने वाली है तो मैं दिखाऊंगा ये कैसे लगेगी आगे आपको। तो एक पिन निकाल कर इसे रबड़ के पिछले वाले हिस्से में लगा देना है और फिर उसके पीछे वाले से मुड़ कर पैन में डाल देना है। और फिर ईयरबड लेनी है। ये अपनी गोदी का काम करेगी। सबसे पहले तो इसकी हमें रुई हटा लेनी है ताकि ये आगे जाके कोई हमें मुश्किल ना दे। तो मैंने इसकी रुई हटा ली है। देख ही सकते हैं आप, हमारी गोली बन चुकी है। और मैं अब आपको इसे चला कर दिखाता हूँ। ये देखिए इसका निशाना कैसा था। इसने देखिए कैसे पेज में गड्ढे कर दिए हैं, ये देखिए। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू सब्सक्राइबर्स रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में।